पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच में अलीम डार के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार गलत फैसले जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त की वजह बनी। आज की इस वीडियो में आपको अलीम डार के गलत फैसलों की वीडियो दिखाता हूं और बताता हूं कि किस तरह से इन्होंने गलत फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हो गई है। इस बात में कोई भी दूसरी राय नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन अंपायर में अलीम डार का भी शुमार होता है, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच में अलीम डार के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त हो गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस गेंद पर अजहर अली आउट हुए हैं, लेकिन असल में अजहर अली नॉट आउट थे क्योंकि जब गेंद बैट के करीब से गुजरती है तो छोटे छोटे से एजेस बन के आते हैं। इसी तरह से एक एज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में निकला था, लेकिन अंपायर ने जब उसको अल्ट्रा एजेस में देखा तो उसके बाद अंपायर ने फैसला किया कि बहुत ही मामूली किनारा लग गया और इस पर एजेस जो बन के आ रहे हैं ये बहुत ही मामूली है, तो उस पर अंपायर ने उस खिलाड़ी को नॉट आउट करार दिया था। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान के साथ भी आज अलीम डार ने ना इंसाफी किया, गलती की है, जो भी किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान का जो आउट हुआ वो भी नॉट आउट थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें रोज अलीम डार ने दो गलत फैसले दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीते हुए मैच में शिकस्त हुई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अलीम डार ने तीसरे टेस्ट मैच में चार गलत फैसले किए जिसकी वजह से दोनों टीमों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है।